ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे लेजी आई और एमलोपिया ट्रीट करते हैं और क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आपकी एमलोपिया और लेजी आई ट्रीट हो सकता है और आपकी जो विजन लॉस है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड आगे के वीडियो टाइम पे पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर देना। स्टे ट्यून। क्वेश्चन ये आता है कि आपकी एमलोपिया और लेजी आई कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारा स्ट्रेटेजी मैं बताने वाली हूँ, जिसमें पहली स्ट्रेटेजी जो आती है वो आपकी आती है ग्लासेस पैचिंग, फिर आपकी आती है विजन थेरेपी और वीटी, एंड थर्डली आती है सर्जरी। पूरा वीडियो देखना, बाद में पता चलेगा कि लेजी आई में सर्जरी कैसे हेल्प करती है। सो आप पहले मैं ये बतानी चाहूंगी कि ये पूरा जो मैंने ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी बोला है, कोई भी खुद से घर पे एक भी अकेला ट्राई मत करना। कुछ भी ट्राई करना है तो प्लीज कोई आई केयर मैनेजमेंट या आई केयर प्रोफेशनल के साथ आप बात करके उनसे प्रोग्राम लेके फिर ही ट्राई करना, क्योंकि ये टाइप और कंडीशन के ऊपर बेस करके आपकी ट्रीटमेंट होता है। तो आप खुद से घर पे यूट्यूब की वीडियो देके ट्राई करोगे तो वो बहुत डैमेज भी कर सकता है या कुछ और दूसरा ही कुछ हो सकता है। तो इट्स बेटर है कि एक टोटली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आप कोई डॉक्टर या आई केयर प्रोफेशनल या ऑप्टोमेट्रिस्ट इन लोगों के साथ बात करके आप करना शुरू करें। तो हम बाद में आते हैं कि ग्लास पैचिंग, विजन थेरेपी और सर्जरी में हम लोग कैसे हेल्प मिलता है। तो ग्लासेस हम कब देता है? ग्लासेस फॉर लेजी आई पेशेंट के लिए थोड़ा अलग सा रिफ्रैक्शन होता है, साइकोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आपकी विजुअल डिमांड कितना है उस हिसाब से ड्रॉप डाल के बैठ के डायलेट करके आपकी रिफ्रैक्शन किया जाता है, जिसमें पता चलता है आपकी एग्जैक्ट डिमांड के हिसाब से आपको चश्मा दिया जाता है। ओवर द टाइम अगर वो चश्मा पहनते हो, कभी कभी देखा जाता है कि आपकी विजन इम्प्रूव होता है। अभी ये विजन इम्प्रूवमेंट जो है ये बेसिकली ज्यादातर देखा जाता है बच्चे में ज्यादा होता है, और ये जब नहीं होता है, पकड़ लीजिए ओवर द टाइम आपकी ये चश्मा देने के बाद आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तब हम लोग देते हैं पैचिंग। दैट पैचिंग क्या होता है? पैचिंग में आपको जब आपकी अच्छी आंख है उसको बंद करके हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो लेजी आई है उससे काम करे। पैचिंग आप करते हैं इसीलिए कि जिसमें आपकी जो विजुअल कॉर्टेक्स है हमारी ब्रेन में उसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाए। आप ये पैचिंग करने से आपकी जो रिजल्ट नहीं आया या रिजल्ट आने में लेट हो रहा, तब हम आपको कराते हैं विजन थेरेपी। विजन थेरेपी और वीटी ये टोटली एक फिजिकल थेरेपी है। जैसे हमारा फिजियोथेरेपी होता है बॉडी के लिए, वैसे आई के लिए हम बोलते हैं उसको विजन थेरेपी। विजन थेरेपी में हम लोग आई एक्सरसाइज, गेम्स, स्टीमिंग, आई दोनों का आंख का एक साथ काम करना, बाइनोकुलर विजन इम्प्रूव करना, ये सब करते हैं। और वो करने से आपकी बहुत ज्यादा स्पीडी रिकवरी होता है। एक पैचिंग करने से सिर्फ आपकी विजन इम्प्रूवमेंट होने में जितना टाइम लगेगा, उसके साथ अगर आप विजन थेरेपी भी कर रहे हो तो उसके रिकवरी टाइम बढ़ जाता है और जल्दी जल्दी आपको दिखाई देने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी पैचिंग के साथ, कभी भी हम पेशेंट को ऑल टाइम बोलते हैं कि आप प्लीज पैचिंग भी कर रहे हो तो विजन थेरेपी भी करो। विजन थेरेपी हमारे सेंटर पे भी होता है, हम होम बेस्ड विजन थेरेपी ऑफर करते हैं। होम बेस्ड विजन थेरेपी में आपको ट्रीटमेंट प्रोसेस दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है, उसको फॉलो करके आप आपकी विजन इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अभी आते हैं हम सर्जरी के बारे में। क्या है सर्जरी? नहीं, लेजी आई में कोई सर्जरी नहीं होता है जिसमें आपको लेजी आई ट्रीट हो सकता है। लेजी आई वो तो बहुत सीवियर कंडीशन होता है, कभी कभी आपकी आंख स्क्विंट या फिरकापना, मतलब दोनों ऐसा नहीं तो बाहर की तरफ चला जाता है। बहुत बाहर की तरफ मैं लेके नहीं जा पा रही हूँ, बट अंदर की तरफ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सो अगर ये कंडीशन आता है और वो पैचिंग एंड विजन थेरेपी से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तब आपको हम बताते हैं या कोई भी डॉक्टर आपको बताते हैं कोई स्क्विंट स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाने के लिए, सो दैट आपकी एक प्रॉपर सर्जरी हो और आपकी आंख स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद आप फिर से विजन थेरेपी कंटिन्यू कर सकते हो फॉर लेजी आई, जिसमें आपकी ये न्यूरो कनेक्शन बिल्ड हो। सर्जरी में आपकी विजुअल कॉर्टेक्स के साथ आपकी आई की कनेक्शन कभी भी बिल्ड नहीं होता है, ये कभी भी याद रखिए। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि ये बिल्ड हो जाएगा सर्जरी के बाद, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा स्क्रीन सर्जरी के बाद, वो नहीं होता है। ये विजुअल कॉर्टेक्स एंड आई की कनेक्शन है जो आपको आपको विजन थेरेपी, पैचिंग या ग्लासेस इससे ही आता है। ये नॉन मेडिकल मैनेजमेंट से आता है, नॉट अ सर्जिकल मैनेजमेंट विल हेल्प। कोई सर्जिकल मैनेजमेंट आपको हेल्प नहीं कर पाता है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं बताना मुझे ये कमेंट करके कि आप लोगों ने अभी तक कौन सा ट्रीटमेंट किया है एंड कौन सा ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या रिजल्ट मिला है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी इधर,
बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं कि मैम अभी मेरा एज नहीं है, अभी नहीं हो सकता, तो डॉक्टर्स क्यों ऐसा बोलते हैं? डॉक्टर्स इसीलिए बोलते हैं, हमारा जब 8 से 9 या 18 साल तक का उम्र तक हमारी बॉडी डेवलप करता है, हमारी बॉडी लंबाई में भी बढ़ता है, हाथ में भी बढ़ता है, तो डेवलपिंग स्टेज रहता है हमारी बॉडी का। अगर उस टाइम पे हम किसी चीज को रिशेप करना चाहते हैं, जैसे आपके विजन को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ब्रेन और आईज की कनेक्शन तुरंत बन जाता है और वो बनने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर एक बिटवीन बिलो 18 ईयर्स का बंदा आया है और एक अबव 18 ईयर्स का बंदा आया है, ऐसा हो सकता है कि बिलो 18 ईयर्स का बंदे को 5 साल 5 या 6 सेशन में आपका उसका विजन इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेगा। बट एक 18 साल का 18 साल के ऊपर की कोई बंदा आया है, उसको शायद मुझे ज्यादा सेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसके डेवलपमेंटल स्टेज क्रॉस कर गया है। बट एकदम ही ऐसा नहीं है कि वो 18 साल के ऊपर के बच्चे व इंसान को ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट हो सकता है, जितना आपका एज उतना ज्यादा सेशन, इतना आपको समझना पड़ेगा। और जितना एजेस कम है उसको कम सेशन में रिजल्ट मिलता है। तो ट्रीटमेंट तो दोनों में ही होता है, ये आप दिमाग में लेके चलो। और अगर आपको विजन थेरेपी के लिए एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हमें एक लास्ट प्रिस्क्रिप्शन के साथ जहाँ पे आपका बताया गया है, आपका ट्रीटमेंट बताया गया है, डायग्नोसिस है कि आप लेजी आई है, सब कुछ रिटन है, वो एक प्रूफ लेके हमारे पास आना पड़ता है। हम फिर आपको प्रोग्राम देते हैं, उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपकी विजन थेरेपी में जरूर 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 आपको विजन इम्प्रूव होता है। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।